बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब चैनल फैमिली। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप सब ने मेरी सेकंड वीडियो को भी उतना ही लाइक किया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने घर पे ज़रूरी से ट्राई भी किया होगा। पिछले 2 दिन से हम लोग कुछ ना कुछ चटपटी सी चीज़ें बना रहे थे, तो आज मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ मीठी सी चीज़ बनाई जाए। आज मैं पैनकेक बनाने लगी हूँ, और बहुत ही ईजी रेसिपी होगी, घर में ही आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। हम लोग रेसिपी स्टार्ट करते हैं जी। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आज हम पैनकेक बनाएंगे, और इसको बनाने के लिए जो भी चीज़ें आपको चाहिए होंगी वो आपको घर में इजीली अवेलेबल होंगी। तो उसके लिए सबसे पहले जो आपको चाहिए होगा, इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं, और सबसे पहले आपको चाहिए होगा 1/4 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून आपको चाहिए होगा बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून आपको चाहिए होगा बेकिंग सोडा, पिंच डाल दें, थोड़ी सी डाल दें, वो आप पे डिपेंड करती है। कैस्टर शुगर ये हम लास्ट में यूज़ करेंगे एज अ डेकोरेशन के लिए। आप इसके लिए चीनी यूज़ करेंगे, ये भी यूज़ कर सकते हैं पिसी हुई, क्योंकि ये फिर जल्दी मेल्ट हो जाती है तो ईजी हो जाता है। चीनी जो हम इसमें यूज़ करेंगे वो हम करेंगे ऑलमोस्ट 3 टेबल स्पून, 3 to 4, मीठा डिपेंड करता है आप कितना लेना चाहते हैं। तो ये हम डालेंगे 3 टेबल स्पून कैस्टर शुगर, या दूसरी चीनी भी आप डाल सकते हैं, ये बारीक वाली। इसके अलावा अगर आप डेकोर करना चाहते हैं उसको, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं चॉकलेट भी, जैम भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग, फ्रूट कॉकटेल भी यूज़ कर सकते हैं उसको साथ में, उसको फिलअप करने के लिए क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ,